हेलो एवरीवन, माय नेम इज तृप्ति पारिक। करंटली आई एम वर्किंग एज अ लीगल इंटर्न इन लेक्सिस एंड कंपनी। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे मेडिकल नेग्लिजेंस के बारे में। मेडिकल नेग्लिजेंस क्या होता है, कौन कौन से एक्ट के अंदर आता है मेडिकल नेग्लिजेंस, और इन फ्यूचर आपके साथ या आपके किसी फैमिली मेम्बर के साथ अगर मेडिकल नेग्लिजेंस होता है तो क्या कर सकते हैं आप। सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि मेडिकल नेग्लिजेंस क्या होता है। जब भी कोई मेडिकल प्रैक्टिशनर या कोई डॉक्टर केयरलेसली या नेग्लिजेंटली कुछ ऐसा एक्ट करता है जिससे उसके पेशेंट को हार्म होता है, अब हार्म किसी भी फॉर्म में हो सकता है, चाहे वो मेंटली हो, चाहे वो फिजिकल हार्म हो, चाहे वो मेंटल हार्म हो, या फिर उसकी नेग्लिजेंट एक्ट की वजह से उसको कोई ऐसी बीमारी हो गई, लाइफ टाइम की बीमारी हो गई, या उसको कोई सी भी बीमारी हो गई, या फिर उसकी डेथ कॉज्ड हो गई, तो वो मेडिकल नेग्लिजेंस के अंदर आएगा। मेडिकल नेग्लिजेंस का मतलब होता है कि कोई भी हार्म, चाहे वो छोटा हो या फिर उस हार्म की वजह से उसकी डेथ हो जाए, तो उसको हम मेडिकल नेग्लिजेंस ही बोलेंगे। मेडिकल नेग्लिजेंस का प्रोविज़न हमारे इंडियन पिनल कोड IPC, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और इंडियन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर दिया गया है। डॉक्टर का प्रोफेशन एक ऐसा प्रोफेशन होता है जिसके अंदर डॉक्टर को बहुत कॉशियसली और बहुत केयरफुली पेशेंट का ट्रीटमेंट करना पड़ता है, और अगर उसमें उस एक्ट को करते हुए वो कुछ भी ऐसा नेग्लिजेंटली एक्ट करता है, उसके नेग्लिजेंट के बिहेवियर की वजह से उसके पेशेंट को या उस पेशेंट के किसी फैमिली मेम्बर को कोई भी हार्म होता है, तो डॉक्टर गिल्टी प्लीट करा जाएगा। मेडिकल प्रोफेशन एक ऐसा प्रोफेशन है जिसके अंदर प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत होती है। प्रोफेशन, चाहे वो डॉक्टर का प्रोफेशन हो, मेडिकल प्रोफेशन हो, चाहे वो लॉयर का, एडवोकेट का प्रोफेशन हो, CA का प्रोफेशन हो, हर प्रोफेशन के अंदर प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत होती है। वैसे ही मेडिकल प्रोफेशन के अंदर डॉक्टर को भी प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरी होती है। ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि डॉक्टर को पहले से ही सब नॉलेज होनी चाहिए, लेकिन धीरे धीरे उसको अपडेट होना चाहिए जो भी सिचुएशन हो रही है, और उसको अपने अपने पेशेंट का ट्रीटमेंट बहुत ही केयरफुली करना चाहिए, क्योंकि उसकी एक नेग्लिजेंस की वजह से किसी पेशेंट की जान पर बात आ सकती है। एक एग्जांपल से मैं आपको समझाती हूँ। जैसे हम किसी होटल में गए, हम किसी रेस्टोरेंट में गए कुछ खाने के लिए, और वहाँ की सर्विस, वहाँ का खाना अच्छा नहीं है, तो हम उस कंपनी के ओनर के अगेंस्ट में केस कर सकते हैं कि उसने नेग्लिजेंटली कुछ किया जिससे उस खाने की वजह से हमारी तबीयत ख़राब हुई। वैसे ही अगर डॉक्टर के प्रोफेशन में डॉक्टर कोई भी ऐसा एक्ट करता है नेग्लिजेंटली जिसकी वजह से उसके पेशेंट की जान पर बात आ जाती है या उसको छोटी इंजरी भी होती है, तो वो मेडिकल प्रैक्टिशनर एक्ट के अकॉर्डिंग केस कर सकता है। अब हम देखते हैं डॉक्टर्स को क्या करना चाहिए अकॉर्डिंग टू लॉ। लॉ के अकॉर्डिंग डॉक्टर्स की क्या ड्यूटीज़ होती है और क्या राइट्स होते हैं टुवर्ड्स देयर पेशेंट। पहला उसका ये राइट होता है कि वो जो चाहे वो केस ले सकता है। अगर उसको लगता है कि वो ये केस नहीं कर सकता है, तो उसका जो केस है उसको किसी दूसरे डॉक्टर को रेफ़र करना चाहिए, या फिर उसकी फैमिली मेम्बर को साफ मना कर देना चाहिए कि मैं ये केस नहीं ले सकता या मैं ये केस नहीं ले सकता। अगर वो श्योर नहीं है कि वो ट्रीटमेंट अच्छे से कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, केस उसको जब ही लेना चाहिए, पेशेंट का ट्रीटमेंट उसको जब ही करना चाहिए जब उसको लगता है कि ये मैं केस कर सकता हूँ। सेकंड उसका ये है कि वो जो भी केस ले रहा है, जो भी वो ट्रीटमेंट कर रहा है पेशेंट की,
उसको बहुत ध्यान से बहुत कॉशियसली वो ट्रीटमेंट करना चाहिए, और उसके अंदर उसकी लापरवाही की, उसकी नेग्लिजेंट की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। अब हम देखते हैं अगर कोई भी डॉक्टर कोई नेग्लिजेंट एक्ट करता है तो उसके अंदर विक्टिम यानी पेशेंट क्या एक्शन ले सकता है। बेसिकली पेशेंट के पास दो राइट्स होते हैं, विक्टिम के पास दो राइट होता है, पहला राइट सिविल लायबिलिटी और दूसरा क्रिमिनल लायबिलिटी। सिविल लायबिलिटी के अंदर वो सिविल सूट फाइल कर सकता है और क्रिमिनल लायबिलिटी के अंदर वो क्रिमिनल सूट फाइल कर सकता है। सिविल सूट का अगर मैं एग्जांपल देना चाहूँ तो जैसे मैं एक पेशेंट हूँ, मैं किसी डॉक्टर के पास गई अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए, उसने मेरा ऑपरेशन किया और ऑपरेशन के दौरान उसने मेरे पेट में टाँके लगाए, लेकिन कुछ टाइम बाद मुझे पता चला कि उसने जो सीजर थी वो मेरे पेट के अंदर ही रह गई, तो ये उसका एक बहुत ही बड़ा नेग्लिजेंट एक्ट है। इसके अकॉर्डिंग मैं उसके अगेंस्ट में सिविल सूट भी फाइल कर सकती हूँ और क्रिमिनल सूट भी फाइल कर सकती हूँ। सिविल लायबिलिटी के अंदर पेशेंट डॉक्टर से कंपनसेशन क्लेम कर सकता है, लेकिन क्रिमिनल लायबिलिटी के अंदर अगर पेशेंट की डेथ हो जाती है तो वो सेक्शन 304 आईपीसी के अकॉर्डिंग उसको पनिशमेंट भी मिल सकती है। सेक्शन 304 के अकॉर्डिंग उसको पनिशमेंट भी मिल सकती है। सुप्रीम कोर्ट का एक लैंडमार्क जजमेंट है, उस केस के अंदर डॉक्टर सुधीर मिश्रा का ये केस है, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने दोनों सिविल लायबिलिटी और क्रिमिनल लायबिलिटी इम्पोज करी थी इस मैटर के अंदर। तो अब हम देखते हैं कि मेडिकल नेग्लिजेंस के अंदर हम किसी पेशेंट अपने डॉक्टर, हॉस्पिटल स्टाफ या फिर हॉस्पिटल के खिलाफ कहां पर केस फाइल कर सकता है। पेशेंट केस फाइल किसी भी कंज्यूमर कोर्ट में कर सकता है, किसी भी डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट फोरम के अंदर पेशेंट केस फाइल कर सकता है। सो आई होप यू लाइक माई वीडियो। आपको मेडिकल नेग्लिजेंस बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।